بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم खुदा व तबारिक से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को मोहब्बत और इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की तोफ़ी अतः फरमाएँ और एक दूसरे को अगर दावत देनी हो तो हिकमत के साथ और दलाइल के साथ दावत देने की तोफ़ी अतः फरमाएँ न फ़कत की इत्तेहाद और इत्तफाक मुसलमानों के दरमियान हो बल्कि तमाम अदीन और मजाहब के साथ और जब भी दावत दी जाए तो एहसन तरीक़े से और महबत के साथ दावत दी जाए और अगर इख्लाफा होंमी एतबार से तो उनको इलमी एतबार ही से डिस्कस किया जाए और आलम इस्लाम में बाद रसूल वसल्लम या यबाल्फाज दीगर उनकी शहादत और कत्ल के बाद जो कत्ल आम का सिलसिला शुरू हुआ उनके अहल बैत को कत्ल किया गया और उनके अहल बैत के चाहने वालों को कत्ल किया गया र्ज़ ये कि पूरे ख़ानदान रसालत को कभी ओतम का निशाना बनाया गया और खसूस कत्ल किया गया तो ये जो आम का सिलसिला शुरू हुआ ये आज तक जारी है ये सिलसिला रुकना चाहिए कहमतों का बाजार ख़त्म होना चाहिए औरबार से गुफ्तु होनी चाहिए हमने सबका नशस में रसूल सल्ला वसलम की शहादत और कत्ल के बारे में जो क़ुरान से इमकान जाहिर हो रहा था उसका हमने जिक्र किया और ये बताते चलें कि रसूल अल्लाह सल वम को हमेशा से दुश्मनों ने कत्ल करना चाहा बचपन से लेके के एलान नबूत तक और एलान नबूवत के बाद से लेकर शहादत तक उन्हें हमेशा ख़तरा रहा इन ख़तरों का जो अहम तरीन एक मरकज था वो बनोमैया खूस अबू सुफियान और उसके तरफ़दार थे और वही ख़तरा आपकी शहादत के बाद उसी ख़ानदान से आपके भाई और वसी और वली यानी मौला अमीर उलमो अमीन सल्लम को रहा उसने जंगें की उसके बेटे माविया ने और फिर उसी के उसी ने जंगे जंग की आपके नवासे इमाम हसन से और उसी की नसल से यजीद ने कत्ल किया आपके दूसरे नवासे इमाम हुसैन को और आपके घर वालों को असीर किया जबकि ख़ुद माविया की माँ ने और अबूसुफियान की बीवी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले चचा जनाब हमज़ा को कत्ल करवाया और उनका कलेजा चबाया और इसी नस्ल से सूफी होगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारहवें खलीफ़ा और उम्म मुस्लिमा के बारहवें इमाम इमाम मेहंदी सलाम से जंग करेगा और सूफिया की मजम्मत में रवायात शी और सुन्नी दोनों में हैं और सूफियानी कौन है तो कहा जा सकता है बहुत ही मुख्तसर तरीन उसका तारुफ कराया जाए तो अबू सूफीन की नस्ल से होगा तो न फ़क्त यही ख़ानदान बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो आलम इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और आपको कत्ल करना चाहते थे और ये जंगें इसी लिए थी कि आपको कत्ल किया जाए जंगें इसलिए तो नहीं थी कि आपसे डिस्कशन किया जाए या कुछ मकाल किए जाएँ या मुनाजरत किए जाएँ तो आपको हमेशा से ख़तरा रहा और इस वक्त हमारा मौजू है और इन मौजूद को डिस्कस करने का हदफ ये है और हम बताते चलें कि हम कुछ भी कुतुब अहल तशैयों से बयान नहीं कर रहे हैं। जो कुछ बयान कर रहे हैं कुतुब अहल सुन्नत से बयान कर रहे हैं और इन्हें बयान करने का हदफ यह है कि अगर कभी कोई हमारा आलम या जाकिर या कोई शख्स बयान कर दे तो उस वक्त यह ना कहा जाए कि यह शीयों का नज़रिया है और शीयों को कत्ल किया जाए और उन्होंने तोहन कर दी लिहाजा हवालों के साथ इनको बयान करने का असल हदफी यही है तो इस वक्त हमारी का कावान है कि जब आप जंगे तबूक से वापस आ रहे थे तो आपको कत्ल करने की कोशिश की अब ये मुनाफिक बारह थे तेरह थे चौदह थे या पंद्रह थे तो तारीख में इनका जिक्र हुआ लेकिन कम से कम जो तादाद बयान हुई वह बारह बयान हुई अब यहां पर यह सवाल किया जा सकता है कि इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का क्या फायदा है तो याद रहे कि सही मुस्लिम में इन मुनाफिकों के लिए नकल हुआ कि इनकी जो जंग है हरम्ला रसूल ही फ़िलहत दुनिया व योम यकोमशहाद कि इन मुनाफ़ी की जो जंग है या बालफाज दीगर जो इनका इनहराफ पैदा किया हुआ है ये रसूल अल्लाह से और अल्लाह से इस दुनिया में भी है और क़यामत तक जारी रहेगा अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कोई सादे मुनाफिक नहीं थे अब एक टॉपिक ये है कि ये मुनाफिक कौन थे तो बाद जगह मिलता है फ़लान फ़लान बाज़ जगह कुछ अफराद ने सवाल किया कि हम भी थे और बाद जगह नाम भी आए गो कि उन रवायात को अगर इलमी अदबार से देखा जाए तो अहल सुन्नत के नज़दीक वो सही हैं लेकिन कह दिया जाता है कि ये गलत हैं और ये उनका हक है और हम भी यही कहेंगे कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं लेकिन अगर कोई इनको बयान कर दे गो के वो ज़ीफ़ नहीं हैं तो फिर ये ना कहा जाए कि ये किसी शिया का नज़रिया है हम अपना कोई नज़रिया बयान नहीं कर रहे इस गुफ्तु का असल मौजू ही यही है कि कुतुब अहल सुन्नत में शहादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या मौजूद नकल हुए इन शाला बाद में हम अहल सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसे भी इन कभी नकल करेंगे तो इस वक्त हमारी गुफ्तु कावान है कि जब आप जंग तबूक से वापस आ रहे थे अब ये वाक़ इतना सादा नहीं है किस एतबार से एक एतबार तो ये कि इसका जिक्र क़ुरान मजीद में हुआ इर्शाद खुदावंदबारक वाली है यहलफुन बिल्ला मकालु वल़द क़ालु कैलमतलकफ़्र वफ़रु बद इस्लाम हिम व हम बेमालु अब यहाँ पर अगर दिक्कत की जाए कि सूर तोबा की आयत नंबर सेवेंटी फोर अब हम बताते चलें कि इस मौजू को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है तो पहली बात यह कि ये मौजू आपको जब आप तबूक से वापस आ रहे थे तो आपको कत्ल करने की कोशिश की इसका ज़िक्र क़ुरान मजीद में भी हुआ और दूसरी वजह क्या है कि सही मुस्लिम में भी इन मुनाफिकों के बारे में ये कहा गया कि इनकी जंग उनकी ज़िंदगी से कया, ले तो के क्यामत तक चलेगी हरबन ला वसूल ही फ़िल हयात दुनिया व योम यकोमलशात तो मालूम हुआ कि ये कोई सादे मुनाफिक नहीं है ये कोई आम मुनाफिक नहीं है बल्कि ये ऐसे मुनाफिक हैं कि जिनका असर और जिनका फितना उस जमाने से ले आज तक और आज से लेकर कयामत तक बाकी है और जारी है और सारी है अब ये कौन है तो बाद जगह कुतुब अहले सुन्नत में फलान फलान कहा गया और जगह बारह कहीं तेरह कहीं चौदह कहीं पंद्रह बारह का अदद ज़्यादा मशहूर है फिर बाज अब ने सवाल किया कि हम भी इनमें थे क्या हमारा नाम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे लिया और जगह कुतुब अहल सुन्नत में सही रिवायत की सूरत में बाज नाम आए और जिन रावियों से नकल हुए सब सिक़ा थे जिन रावियों से नकल हुए वो, वो सहय सत्ता के रवात थे लेकिन ज़ाहिर है कि वो मौजू क़बूल नहीं था तो उनमें से एक रावी कि जिसको इन शाला बाद में भी डिस्कस करेंगे वलीद बिन जुमे या वलीद बिन अब्दुल्ला बिन जुमै अब गो के वो सखा हैं लेकिन उनको रद्द किया गया खसूस इबन हज़म ने रद्द किया किस लिए इसलिए कि उनसे एक जो एक रिवायत नकल हुई है उसको रद्द किया जाए हम उस रवायत को साबित करना भी नहीं चाहते उस रिवायत को इसलिए बयान कर रहे हैं कि कल को अगर किसी शिया किताब में वो रिवायत मिल जाए या कोई झाकिर बयान कर दे या कोई आलिम बयान कर दे तो ये ना कहा जाए कि ये का नज़रिया है बल्कि ये हमारा नज़रिया नहीं है ये एक रिवायत है सुन्नत में है गो कि वो रिवायत सही है अब वो अगर उसको नहीं मानते तो ये उनका हक़ है तो सबसे पहले जिस किताब से हम नकल करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और दास्तान बताते चलें तो ये हम बताते चलें कि जंग तबूक से जब आप वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए हर्फ ब हर्फ इस को हम पढ़ देते हैं सबसे पहले तारीख़ अबन कसीर यानि बिदाया नहाया जिल नंबर पाँच और सफ़ा नंबर इकतालीस जब रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ग़ब तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने मनादी का हुक्म दिया तो इसने ऐलान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी को पकड़े हुए हैं बस इसे कोई ना पकड़े इसी असना में हज़रत हज़ैफ़ा रजी अल्लाह अल्ल तहु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहे थे और हज़रत अम्मा रजी अल्लाह तहों पीछे चल रहे थे कि ढाटे बांधे हुए ऊँटों पर सवार एक ग्रोह आ आ गया बस वो हज़रत अम्मा रजी अल्लाह पर पिल पड़े और वो हज़रत रसूल करीम के पीछे पीछे चल रहे थे और हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तहो ऊँटों के चेहरों पर मारने लगे रसूल करीम सल्ला वसलम ने हज़रत हज़ैफ़ा रजी अल्लाह तहों से फ़रमाया खुद खुद यानी आहिस्ा आहस्ा हती कि रसूल सल्ला वसल् वादी में उतर गए बस जब आप उतरे और हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तहु वापस आए तो आपने फ़रमाया एमार क्या आपने लोगों को पहचान लिया उन्होंने जवाब दिया मैंने आम ऊँटों को पहचान लिया जबकि लोग ढांटे बांधे हुए हैं बा, बांधे हुए थे आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि इनका इरादा क्या था उन्होंने जवाब दिया अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं आपने फरमाया इनका इरादा था कि अल्लाह के रसूल को ले जाकर फेंक दें यानी घाटी से बुलंदी से फेंक दें यह है असल दास्तान अब अगर यहाँ पर एक मौजू आप देखें कि जनाब अम्मार से रसूल्ला सल्ला वसल्म ने सवाल किया अब हज़रत हजैफ़ा रसूल अल्ला वसलम के ऊंट पकड़े हुए थे हज़रत अम्मार पीछे थे पीछे से हमला हुआ हज़रत अम्मार ने उनके सवारीयों को मारना शुरू किया ताकि ये बेदक जाएँ और आगे ना आ सकें बस अब यहाँ पर नोट करना शुरू करें आप कि असल मौजू क्या था यहाँ पर ये यह कहना कि रास्ता बड़ा ख़तरनाक था इस वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़र रहे थे ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मनादी का हुक्म दिया गया कि हम घाटी से गुजरेंगे और बाकी फ़ौज वादी से गुज़रे दो रास्ते थे यहाँ से आप क्यों गुज़रे जबकि ये रास्ता ख़तरनाक था वजह ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि मुझे इस वक्त भी ख़तरा है उन्हीं लोगों से कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं वरना आप ये बताइए हर आदमी यह सवाल करे क्यों वह खतरनाक घाटी से गुजरे जबकि तीस हजार की फौज एक सादे रास्ते से गुजर सकती थी आप भी उसी सादे रास्ते से गुजर जाते खतरा मोल लेने की जरूरत क्या थी खतरा मोल लेने की जरूरत यह थी कि हुक्म खुदा तबारक वाली यह आपको हुक्म था कि तुम यहां से गुजरो मौला अमीर को आपने मदीने में छोड़ा हुआ था अपना नायब बनाकर और सिर्फ दो अफरा को लेकर आप इस घाटी से गुजरे जनाब अम्मार और जनाब हुज़ैफा को बस पहली बात याद रहे कि यह रास्ता खतरनाक था जबकि एक सेफ रास्ता भी था कि जो आपने इख्तियार नहीं किया सिर्फ इसलिए कि आप बता सकें कि मेरे इन अफराद में मुनाफिक हैं और ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं पहली बात दूसरी बात यह कि हजरत अम्मार आगे हैं हजरत अम्मार पीछे हैं हजरत हुजैफा आगे हैं उन्होंने लोगों को रोका तो ये घाटी इतनी चौड़ी थी कि उनके भी ऊंट चल रहे थे असल में उनका हदफ क्या था कि ये पीछे से आके हमला करें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर घाटी से नीचे फेंक कर शहीद कर दें लेकिन हज़रत हु इनको लेके उस खतरनाक घाटी से बाहर आ गए और इस दौरान हजरत अम्बार यासर रसूल तहों ने उन्हें मसरूफ रखा जब आप वापस आए और ये लोग फिर भाग गए पीछे के पीछे तो आपने सवाल किया यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जनाब अम्मां रजू अल्लाह तहों तो से कि क्या तुमने उन्हें देखा तो उन्होंने फरमाया कि उनके चेहरे तो ढके हुए थे लेकिन अब यहाँ बड़ा अजीब एक मामला है कि अरबी के हवाले भी आपके सामने पेश करेंगे कद आरफ तो आमत और रवाहिल और बाद जगह बयान हुआ कद आरफ तो रवाहिला फलान व फलान कि मैंने उन सब के ऊँटों को पहचान लिया और एक जगह बयान हुआ कि मैंने उनके और उनके फलान फलान के ऊँटों को पहचान लिया अब याद रखें ये तीस हज़ार की फौज है तकरीबन तीस हज़ार इसमें लगभग सवारियाँ हैं लेकिन हज़रत अमार कुछ ऊँटों को भी पहचान गए ये बहुत सेंसिटिव मौजू है ऊँटों को पहचान गए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम आज बास से लोगों की गाड़ियों को पहचानते हैं उस जमाने में भी लोग एक दूसरे के जानवरों को ऊंटों को पहचानते थे चेहरे ढके हुए थे ये अलग मौजू है लेकिन सवारियों को हजरत हज़रतमार पहचान गए थे और बाद जगह नाम ले के पहचान गए थे इसी तरीके से बाज़ रिवायात में यह है कि रसूल अलैहि वसल्लम ने नाम बताए तो बाज़ जगह यह है कि ये लोग ख़ुद पहचान चुके थे और इसी तरह से जनाब हुजैफा भी पहचान चुके थे तो पहला ये मौजू था बिदाया व नहाया का अब यहाँ पर एक और मौजू है इसी सफ़े पे सफ़े नंबर चालीस में वो भी आपके सामने बयान कर देते हैं रावी बयान करता है कि हज़रत अम्मां रज़ी अल्लाह तहों ने हज़रत नबी करीम अलैहि वसल्लम के अहाब में से एक आदमी से सरगोशी की किस में से असहा में से अब याद रखें कि इन तमाम मौजूद में उन मुनाफिक का नाम नहीं लिया जा रहा कि जिनका खुल के लिया जाता था अगर ये वो होते तो उनका नाम लिया जाता ये वो नहीं हैं, उनके अलावा हैं कुछ और ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अपने वगैरह नहीं हैं, वो मुनाफिक थे निचले दर्जे के ये वो मुनाफिक हैं कि जिनका जिक्र सूर तबा में हुआ वोहकुमन आरब मुनाफिकून क्या मेरे हबीब तुम्हारे इर्द गिर्द जो बद्दू हैं इन में मुनाफ़ हैं वमिन अहलमदीना थे मरदु अल्नफाक और अहल मदीना में से ऐसे हैं कि जो नफाक में शदीद हैं तो ये वो अफराद थे जो नफाक में शदीद थे लेकिन इनके नाम उमूम इन रवायात में बयान नहीं हुए बस मालूम हुआ कि इनके नामों को छुपाने का हदफ यह है कि ये वो मशहूर मुनाफिक नहीं है कि उन पे डाल दिया जाए उन मुनाफिक के अलावा ये एक छुपे हुए शदीद मुनाफिक है तो हजरत नबी करीम अलैहि वसल्लम के असाब में से एक आदमी से सरगोशी की तो इसने कहा मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं कि तुम्हारे इल्म में घाटी वाले कितने आदमी थे उन्होंने जवाब दिया चौदह आदमी थे उसने कहा अगर मैं भी इनमें शामिल हूँ तो वो पंद्रह थे रावी बयान करता है कि इन में से तीन आदमियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम से उज़र किया कि हमने अल्लाह के रसूल की के मनादी को नहीं सुना था क्या नहीं सुना था कि आपने फ़रमाया था कि कोई भी इस घाटी से ना आए यानी इस घाटी से मैं आऊँगा और तुम लोग साफ रास्ते से आओ तो वो कहते हैं हमने नहीं सुना था और ना ही हमें इन लोगों के इरादे का इल्म था अब जबकि इन तीन अफराद की जिम्मेदारी ये थी कि ये उन बारा पर भी हमला करते जो कि उन्होंने नहीं किया या अब कहा जा सकता है कि ये तीन उन बारा को पहचानते और खसूस कब कि चलें अब तक तो इनको नहीं पता था लेकिन इन तीन को सोचना चाहिए था कि ये बारह क्यों चेहरा छुपाए हुए हैं और जब उन्होंने देख लिया कि ये बारे बारह लोग आगे बढ़कर फ़र्ज़ की बात यह है कि ये तीन इनमें से नहीं थे तो ये बारह आगे बढ़कर हज़रत अम्मार पे हमला कर रहे हैं हज़रत अम्मार जो हैं वो वटों के चेहरों को मार के इनको रोक रहे हैं ताकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे साथ खैरियत के ख़तरनाक हिस्से से गुज़र जाए तो बाद में इन तीन अफराद ने क्यों नहीं पूछा कि तुम लोग कौन हो क्या हो क्यों कर रहे थे या जब इन्होंने देखा तो ये तीन उठ के इन बारह को मारना शुरू करते दो चार को तो घाटी से फेंकते तो कहते हैं मनादी को नहीं सुना और ना ही हमें इन लोगों के इरादे का इल्म था बड़ी अजीब बात है बाद में भी इल्म नहीं हुआ है सब कुछ देख के हज़रत अमार रजी अल्लाह तह फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि इनमें से बारह आदमी अल्लाह और इसके रसूल से दुनियावी ज़िंदगी में और जिस रोज़ गवाह खड़े होंगे तक लड़ते रहेंगे यानी इनमें से बारह आदमी जो हैं नफाक इतने शदीद मुनाफ़ हैं कि ये रसूल अल्लाह सल वसलम अल्ला से और अल्लाह से इस ज़िंदगी में भी लड़ते रहेंगे यहाँ तक के क़यामत तक लड़ते रहेंगे क्या मुराद कि उनका इहराफ जो है वो इब्ने सलूल जैसा या बाकी मुनाफिकों जैसा नहीं था कि जो ख़त्म हो गया उनका इन्राफ उनका ज़ुल्म ूस रसूल आल रसूल के ख़िलाफ़ उनकी साजिशें उस दिन से चली हैं तो अब तक चलती रहेंगी यहाँ तक कि क़्यामत आ जाएगी और रोज़ मशर भी उनका नफा खुल के आएगा और रोज़ मशर भी वो शर्मिंदा नहीं होंगे बल्कि रसूल अल्लाह सल्ला वसल्लम से बल्कि सबसे पहले अल्लाह सुबहाना ताल से लड़ते रहेंगे अब इन अफ़राद को इतना सादा नहीं लिया जा सकता इनके असरात हैं आलाम इस्लाम पर और इतने शदीद हैं कि ये चलते रहेंगे इसी मौजू को अब हम बयान करते हैं आपके सामने मुस्ंद अहमद इबन हम्बल से जल्द नंबर दस और सफा नंबर है 954। अब यहां पर असल रिवायत को शुरू करते हैं हजरत अबू तुफैल से मरवी है कि नबी सलाम जब गजब तबूक से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मनादी का हुक्म दिया इसने ऐलान किया कि नबी साम ने घाटी का रास्ता इख्तियार किया है इस रास्ते पर कोई ना जाए नबी सलाम के आगे हजरत हु और पीछे हजरत अम्मार थे कि अचानक कुछ सवारियों पर ढांटा बांधे हुए लोगों का एक ग्रोह सामने आ गया जिन्होंने हज़रत अम्मार को घेर लिया अब जाहिर सी बात है कि हज़रत को क्योंकि पीछे थे यानी पीछे से आ गए आ गया सामने से मुराद ये कि नमूदार हुए गए से हज़रत अम्मार पीछे थे वो इन सवारियों के चेहरों पर मारने लगे नबी आसमाम ने खतरे का एहसास होते ही हज़रत हुज़ैफ़ा से सवारी रोकने के लिए कहा और नीचे उतर आए और फिर नबी इस घाटी से उतरने लगे इसी दौरान हज़रत अम्मार भी वापस आए नबी आलम ने इनसे पूछा अम्मार क्या तुम इन लोगों को पहचान सके हो उन्होंने अर्ज किया अक्सर सवारी को तो मैं पहचान लिया हूँ ये तर्जुमा है फ तोल यानी उमून मैं इनको पहचान चुका हूँ। लेकिन लोगों ने अपने चेहरों पर डांटे बांधे हुए थे नबी ने फरमाया कि क्या तुम्हें इनका इरादा मालूम है उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं नबी आसम ने फरमाया इनका इरादा यह था कि वह नबी को ले जाए और ऊपर से नीचे ढकेल दें फिर हज़रत अमार ने नबी के एक सहाबी को सख्त सुस्त कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ क्या आपको मालूम है कि इस घाटी में कितने आदमी थे इसने कहा चौदह ये वही पूरी पिछली वाली रवायत है कि जो पहले भी आपके सामने पड़ी अब यहाँ पर वाक़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता वलीद कहते हैं कि हज़रत अबू तुफैल ने इसी गजवे से मुतक़ बताया कि नबी ने जब पानी की किल्लत का इल्म हुआ तो लोगों से फरमाया था और मनादी ने यह ऐलान किया था कि नबी से पहले कोई शख्स पानी पर ना जाए लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुंचे तो कुछ लोगों को वहाँ मौजूद पाया जो इनसे पहले वहाँ पहुंच गए थे इस दिन नबी ने इन्हें लानत मलामत की अब मालूम हुआ कि गज़वा तबू के वापसी में एक वाक़ा तो हुआ कि जिसमें कम अज़ कम बारह वरना तेरह या चौदह या पंद्रह मुनाफिक थे जो आपको शहीद करना चाहते थे और जब दोबारा मनादी दी गई क्योंकि पानी की किल्लत थी एक पत्थर से एक पहाड़ी के एक हिस्से से थोड़ा सा पानी निकलता था कि जो सिर्फ दो तीन अफरा पी सकते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कोई वहाँ पर पहले ना पहुँचे फिर आपने वहाँ जाके के दिखाया और पानी निकला अब ये एक इम्तहान था घाटी से गुजरना ताकि लोगों को पता चले कि इर्द गिर्द मुनाफिक मौजूद हैं फिर आपने पानी का ऐलान किया ये बिल्कुल वही वाला मौजूद था जैसे कि बनी इसराइल से कहा गया था कि कोई भी पानी ना पिए जैसे कि बनी इसराइल से कहा गया था कि हफ़्ते के दिन मछली का शिकार ना करें ये इम्तहान थे अम्बिया की जानब से बिल्कुल ऐसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज इरशाद फरमाया था कि कोई भी पहले वहाँ पर ना पहुँचे और पानी ना पिए लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग वहाँ पहुँच गए कि जो बाज़ रवायत आपके सामने बयान करेंगे कि वहाँ पर भी यही कहा गया कि फ़लान और फ़लान और फ़लान वहाँ पर पहुँच गए लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत भेजी अब आपके सामने मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल जिल्द नंबर सत्रह और हदीस नंबर टू थ्री सिक्स सेवन टू और इसी हदीस के लिए नीचे लिखा हुआ है इसनाद हु सही इसी मौजू को अब देखते हैं कि सही मुस्लिम में किस तरह से बयान किया गया है सही मुस्लिम तर्जुमा वहीदुलजमान साहब जल्द नंबर छः और सफा नंबर थ्री फोर एट यहाँ पर इस मौजू को बयान करें ताकि और पता चले कि ये मुनाफिक कौन हो सकते हैं रिवायत है कैसे रिवायत है मैंने अम्माार यासर से पूछा अम्मा बन यासर जंग सफ़ीन में हजरत अली की तरफ थे अब यह है ब्रैकेट में अब ये जहन में रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा चुके थे मुआविया और उसके तरफदारों के बारे में और जनाब अम्मार को बशारत दी थी तख्तलोका के अमार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा तुम जन्नत की जानब बुला रहे होगे वह वो तुम्हें जहन्नम की जानब बुला रहा होगा तो यहाँ पर तर्जुमा करने वाले भी इस चीज़ को बहुत वाजे लिख रहे हैं अम्मा बिन यासर जंग सिफीन में हज़रत अली की तरफ थे अब सवाल क्या है जनाब कैस का कैस से रिवायत है कि मैंने अम्मा बिन यासर से पूछा तुमने जो हज़रतली के मुकदमे में यानी इनका साथ दिया लड़े माविया से यह तुम्हारी राय है या तुमसे रसूल अल्लाह ने इस बात में कुछ फरमाया था अमार ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई बात ऐसी नहीं फरमाई जो आम लोगों से ना फरमाई हो अब यह बात कौन सी हो सकती है अहल बैत के फ़ाइल आम लोगों के सामने भी बयान किए जनाब अम्मार से भी बयान किए इसी वजह से जमा जनाब अम्मार ने माविया के मुकाबले में मौलुमिन का साथ दिया रसूल वसल्लम तो तमाम मुसलमानों से कह चुके थे या अली लाब का लामिन व वलायब का मुनाफिक उनके तुमसे कोई बख्ज़ नहीं रख सकता बौ्स का ताल्लुक़ दिल से है जंग और लानत मलामत को कतन मुनाफिक बना देती है अः अली कोई बुख़्स नहीं रख सकता मगर ये कि वो मुनाफिक हो और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर यह कि मोमिन हो ये पता था जनाब अम्मार को आपने यही फरमाया कि हमसे कोई ऐसी बात ख़ास नहीं कही जो औरों से ना कही हो तमाम मुसलमानों से कहा था कि जो अली का मौन, मुखालिफ है वो मुनाफिक है लिहाजा जनाब अमार ने मौला अली का साथ दिया बहुत वाजे सी बात है लेकिन यहां पर आप देखें कि ये जवाब क्या फरमाते हैं जनाब मालिक जनाब अम्मार क्या जवाब देते हैं तो सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया कैस से रवायत है कि मैंने अम्मा यासर से पूछा अब वो जंग सिफिन में थे अम्मा यासर यासर जंग सिफिन में हरत अली की तरफ थे तुमने जो हजरत अली के मुकदमे में यानी इनका साथ दिया लड़े माविया से ये तुम्हारी राय है या तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाब में कुछ फरमाया था अम्मार ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई बात ऐसी नहीं फरमाई जो आम लोगों से ना फरमाई हो लेकिन हज़रत हज़रतफ़ा ने मुझसे बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरे अब में बारह मुनाफिक हैं इनमें से आठ जन्नत में न जाएंगे यहाँ तक के ऊंट सुई के नाके से घुसे यानी इसका जन्नत में जाना महाल है और आठ को इन में से दुबैला समझ लेगा दुबैला फोड़ा या दुमल और चार के बाब में असवद ये कहता है जो रावी है इस हदीस का कि मुझे याद न रहा तो यहाँ पर याद रखें कि चार के बारे में जो असवद खामोश रहे वो जान का ख़तरा था और ये आ जाएगा कि जनाब हुज़ैफ़ा भी फरमाते थे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैं बताऊं कि जो मेरे दिल में है तो कत्ल का खौफ तो था जिस तरह से खिलाफत के पहले के, पहले कैंडिडेट जनाब सादबन उबादा को कत्ल कर दिया और कहा गया कि उनको जिन्होंने मार दिया था तो यहाँ पर वाजे हुआ कि आप ये समझ सकते हैं कि सवाल हो रहा है जनाब अम्मार से और जनाब अम्मार जंग सफीन में शहीद हो गए थे कि सवाल हुआ है जंग सफीन के दौरान और वह जंग सफीन में मौला अमीरुल मम्न का साथ देने के लिए जो दलील बयान फरमा रहे हैं वो जनाब हुजैफा की इस रवायत को बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने फरमाया था कि मेरे असाब में से बारह मुनाफिक हैं तो इससे पता चला कि जंग सफीन के खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी भी और जंग सिफ़ी के बानियों में से कुछ बानी बानियों का ताल्लुक़ इस मौजू से ज़रूर निकलता है कहीं ना कहीं दूसरी हदीस है सफ़ा नंबर थ्री फोर नाइन पर और हदीस नंबर है सेवन जीरो थ्री सेवन अबू तुफैल से रवायत है कि अकबा के लोगों में से एक शख्स और हुजैफा के दरमियान कुछ झगड़ा था जैसा लोगों में होता है अब ये याद रखें कि जनाब हुजैफ़ा आम लोगों जैसे नहीं है जैसा कि वो हमारे आम तौर पर बरदरान अहल सुन्नत जब भी असाब को बचाना चाहते हैं तो आम लोगों पर ले आते हैं और जब एतराज़ किया जाए तो ख़ास लोगों में ले जाते हैं तो ये झगड़ा कोई जनाब हुज़ैफ़ा का कि जो सच्चे तरीन लोगों में से थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसदार थे तो आम कूचे बाजार के लोगों की तरह से उनके झगड़े नहीं होते थे कि इससे झगड़ा हो गया उससे झगड़ा हो गया खाया तो झगड़ा हो गया गर्मी लगी तो झगड़ा हो गया प्यास लगी तो झगड़ा हो गया गुस्सा आया तो झगड़ा हो गया माज़ल्ला माज़ल्ला हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अल्ल्ला तों और अहब ख़ास और बावफा और अब वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़न बहुत ही बुलंद बाला शान पर फाइज थे बहुत ही बाला और, और बुलंद मकाम पर फायज थे और बहुत ही शान वाले थे अबू तफैल से रिवायत है कि अकबा के लोगों में से एक शख्स और हुज़ैफा के दरमियान कुछ झगड़ा था जैसा लोगों में होता है वो बोला तुमको को खुदा की कसम देता हूँ असाब अकबा कितने थे अब आप ये देखें ये शख्स सवाल कर रहा है और दर हकीकत ये मौजू बाकी और मौजूद से समझ में आ जाएगा वो शख्स उगलवाना चाह रहा है जनाब हुजैफ़ा से और बाद में इनको कत्ल करवाता कि मैं था या नहीं था अब यहाँ पर ये देखें कि इस रिवायत में उस शख्स का नाम क्यों नहीं है कि जो झगड़ा कर रहा है जनाब हज़रत हुजैफ़ा से जनाब हुजैैफ़ा का जिक्र है जनाब हुजैफ़ा के झगड़े का जिक्र है उस शख़्स का जिक्र नहीं है कि जो ये पूछना चाह रहा है जनाब हुजैफ़ा से कि ये बताओ कितने लोग थे अब ये भी बात वाज है कि ये पूछ रहा है और ये है कौन अकबा वाले लोगों में से है कितनी अजीब बात है इस पर दिक्कत करें लोगों ने हुजैफा से कहा जब वो पूछता है तो बता दो इसको उन्होंने कहा हमको खबर दी जाती थी रसूल सल्ला वसलम से कि वो तेरे सिवा चौदह आदमी हैं अब वही वाली बात आ गई अकबा वाले आदमी से वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा वो चौदह हैं यानी कितने हैं पंद्रह हैं अगर तू इन में से है तो वो पंद्रह हैं और मैं कसमिया कहता हूँ कि इनमें से बारह तो खुदा और रसूल के दुनिया और आख़रत में दुश्मन हैं और बाकी तीनों ने यह उज़र किया कि जब इनसे पूछा गया और मलामत की गई कि हमने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी की कि अकबा के रास्ते नाओ की आवाज़ भी नहीं सुनी और ना इस कौम के इरादे की हम खबर रखते थे इस वक्त पैगम्बर खुदा संगिस्तान में थे फिर चले और फरमाया कि अगले पड़ाव में थोड़ा पानी है तो मुझसे पहले कोई आदमी पानी पर ना जावे जब आप तशरीफ ले आए तो कुछ मुनाफिक वहां पहुंच चुके थे इनमें से पहुंच चुके थे आपने इन पर इस दिन लानत फरमाई अब ये मुनाफिक पहुंच चुके थे इनका भी नाम नहीं लिया जा रहा तो ये मामला तो बयान हुआ सही मुस्लिम से और बहुत वाजह हो गया कि लोग भी जानते थे कि अकबा वाले लोग कौन हैं क्योंकि जब रिवायत नकल हुई लोगों के सामने झगड़ा हुआ लोग पहचानते थे उस शख्स को कि ये भी अकबा वाले लोगों में से एक है बस ये कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था बताया नहीं था तो ये अहतमाल दिया जा सकता है कि ना बताने के लिए क्या वजह है एक रिवायत है जो आपके सामने बयान होगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हुफ़ा से फ़रमाया था कि तुम्हारे बाद क्या होगा और उस वक्त फिर खामोश रहना और इतात करना वो मौजू इन शह जनाब के जिम्न बयान होगा